सभी को नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स विद उर्मिला। आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए इन सभी सामग्री की आवश्यकता होगी। दूध एक पाव, चीनी हाफ कप, बनाना एक, ऑरेंज एक, और ये वनीला कस्टर्ड दो बड़ा चम्मच। अब पहले दूध को बॉयल करने के लिए रख दे रहे हैं। जब तक कस्टर्ड को ठंडा दूध में घोल लेंगे। ये मैं हाफ कप दूध ली हुई ठंडा दूध। ठंडा दूध या ठंडा पानी में ही घोलेंगे, गर्म पानी या गर्म दूध में नहीं घोलूंगी, नहीं तो लम्प्स पड़ जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा घुल चुका है। दूध बॉयल हो गया है। अब फ्लेम स्लो कर दूंगी। यहाँ मैंने शुगर भी डाल दी हूँ, मैं उसे नहीं दिखा पाई, सॉरी। अब थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड के घोल को इसी तरह से डालते जाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। लगातार नहीं चलाने से लम्प्स पड़ जाते हैं। लगातार 2 से 4 मिनट तक पकानी है जिससे कस्टर्ड का कच्चापन खत्म हो जाए। बहुत ही झटपट बनने वाला टेस्टी कस्टर्ड है, इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। देखिए ये अच्छा से पक चुका है और बहुत अच्छा सा गाढ़ा भी हो चुका है। अब गैस बंद कर दूंगी और कस्टर्ड को ठंडा होने दूंगी। फ्रूट्स को काट ले रही हूँ। सबसे पहले ऑरेंज के पीसेस को इस तरह से आगे के भाग को कैंची से काट लूँगी। और दोनों साइड के छिलके को हटा लेंगे और बीज को भी निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने सारे फ्रूट्स को काट लिया है, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स। आप चाहे तो कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं या ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। कस्टर्ड अच्छा से ठंडा हो चुका है। मैंने दूध बॉईल करते समय ही चीनी हाफ कप डाल दिया था। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और कस्टर्ड ठंडा होने पर ही फ्रूट डालेंगे। और ये कस्टर्ड जब ठंडा हो जाता है तो इस तरह से बहुत अच्छा गाढ़ा हो जाता है। अब मैं सारे फ्रूट्स को डाल दूंगी। मैं अभी कस्टर्ड सर्व करूंगी इसलिए फ्रूट्स अभी डाल दे रही हूँ। जब सर्व करना हो तभी फ्रूट्स मिलाएंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं अभी से बाउल में निकाल ले रही हूँ। देखिए अब मैंने कस्टर्ड को बाउल में निकाल लिया है। ये अब सर्व के लिए रेडी है। आप इसे ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर सकते हैं। कस्टर्ड बनकर रेडी है। इसमें आप कोई भी फल, सेब, आम,
कोई भी फल इसमें यूज कर सकते हैं। बड़े बच्चे सभी को ये बहुत पसंद आता है और ये 3 मिनट में झटपट बनने वाली रेसिपी है। बच्चे फल नहीं खाना चाहते तो इस तरह से कस्टर्ड बनाकर देने से शौक से फ्रूट खा लेते हैं। अब आप भी ट्राई कीजिए, अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।